नमस्कार वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस हाईकमान से मिलने पहुंचे नाना राउत और केदार, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने संबंधी हुआ विचार। कांग्रेस में किरकिरी की खबरों को नाना ने किया दरकिनार। पत्नी पर दोस्त की बुरी नजर, दोस्त का फोड़ा सर, यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की घटना। और नागपुर मनपा स्टेशनरी घोटाले की जांच स्थायी समिति द्वारा, बुधवार को समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री नितिन राउत, मंत्री सुनील केदार को बुलाया गया था। इस दौरान पार्टी हाईकमान ने विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई किरकिरी पर नेताओं की क्लास लेने की खबर सामने आ रही थी। इस पूरी खबर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पूर्ण विराम लगाते हुए खबर को बेबुनियादी बताया। नाना पटोले ने कहा कि शीत सत्र के दौरान राज्य में स्पीकर को चुना जाए, इस विषय पर पार्टी हाईकमान ने विचार रखे, जिसके लिए सभी दिल्ली आए हुए थे। नागपुर विधान परिषदेच्या कुठलीही चर्चा या ठिकाणी झाली। ऑलरेडी राज्यातल्या संघटनात्मक आणि होणाऱ्या आता जे नागपूरचं आपलं अधिवेशन आहे, आता हिवाळी अधिवेशन जे मुंबईला होऊ घातलेलं आहे, त्या अधिवेशनामध्ये स्पीकरची निवड झाली पाहिजे आणि काँग्रेस ज्या पद्धतीने आग्रही आहे त्या दृष्टिकोनातला एक प्रयत्न सुरू झालेला आहे। जवळपास 28 हे अधिवेशन आहे, 26-27 या सगळी प्रक्रिया व्हावी ही त्याच्यातली आमची भूमिका आहे। आणि म्हणून आज हायकमांडशी चर्चा करताना या सगळ्या गोष्टीचा खुलासावर चर्चा झालेली आहे आणि मला वाटतं की या अधिवेशनामध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवड होईल। हे बघा, हायकमांडचा डिसिजन असतो, त्यांना कोणाला अध्यक्ष करायचं आहे, कोणाला मंत्री करायचं आहे, हे हायकमांडचे डिसिजन असतात। अजून कुठल्याही याबद्दलचं ज्या दिवशी नोटिफिकेशन याचं निघेल विधानसभा अध्यक्षपदाचं, त्या दिवशीच खऱ्या अर्थानं उमेदवाराची घोषणा हायकमांड करेल। नागपूर के यशोधरा पुलिस स्टेशन के तहत दो दोस्तों के बीच हुए विवाद में एक गंभीर जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि एक दोस्त की बुरी नजर दूसरे दोस्त की बीबी पर थी, जिसकी शिकायत बीबी ने अपने पति से की थी। यशोधरा नगर के इंदिरा माता नगर के तहत हुई इस घटना में आरोपी राजकुमार पराते ये कबाड़ी का व्यवसाय करता है, जबकि इस विवाद में घायल अमर वानखेड़े ये टेलर का काम करता है। अमर वानखेड़े की बुरी नजर राजकुमार पराते की पत्नी पर कई दिनों से थी, जबकि कुछ अश्लील हरकतें करने की शिकायत भी पराते की पत्नी ने अपने पति को की थी। इस बात पर 20 दिसंबर की शाम जब दोनों शराब के नशे में थे, दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि राजकुमार पराते ने अमर के सिर पर ईंटों से वार कर उसे अधमरा कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में मेयो अस्पताल भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पर आपराधिक मामले संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज है। दिनांक 20-11-2021 रोजी इंदिरा माता नगर ही यशोधरा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत एक झोपडपट्टी आहे, तिथे दोन्ही बाजूबाजूला राहणारे दोघं जण आहेत, अमर मधुकर वानखेडे आणि त्याचा मित्र राजकुमार पराते। हे दोघं जण एकत्रच असायचे। अमर हा टेलरचा व्यवसाय करायचा, जिथे जिथे कपड्याचे मशीन आहेत त्याच्याकडे हात जाऊन लेबर म्हणून काम करायचा, आणि पराते हा शांतीनगर एरियामध्ये कबाडीचं काम करायचा, कबाडीच विचून तो दुसऱ्यांना विकायचा सामान भंगारचं। तर त्यांचे बाजूबाजूलाच किरायाने घर इंदिरा माता नगरला होते। दोघंही दारूच्या व्यसनाचे आहारी आहेत आणि राजू परातेंचं मिसेसला अमर वानखेडे हा त्रास देतोय। गेल्या 15 पण त्याने तिला काहीतरी हावभाव केला होता, असलेला हावभाव केले होते, तर त्याने ती गोष्ट त्याच्या नवऱ्याला सांगितली आणि राजू पराते ह्यांच्यासोबत पण तो याच्यासोबत पण तो जेव्हा एकत्र असताना त्याच्या मिसेसचं तुझी मिसेस सुंदर आहे वगैरे अशा गोष्टी करायचा, याचा राग येऊन
राजू परात यांनी त्याला हाताबुक्क्याने मारहाण केली, पडल्यानंतर पायाने मारलं आणि बाजूलाच असलेल्या विटेने त्याच्या तोंडावर मारलं आहे. त्याच्यामुळे तो गंभीर जखमी आहे. सध्या मेवा हॉस्पिटलला अमर वानखेडे हा ॲडमिट आहे, उपचार घेतोय. नागपुर महानगरपालिका के स्टेशनरी और प्रिंटर आपूर्ति घोटाले की जांच स्थायी समिति द्वारा की जाएगी. जी हां, इस संबंध में निर्णय बुधवार को समिति की बैठक में होने की संभावना है. ज्ञात हो कि नागपुर महानगरपालिका में स्टेशनरी घोटाले में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम शामिल आ रहे हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है. जबकि अब इसकी जाँच खुद स्थायी समिति द्वारा किए जाने की संभावना शत प्रतिशत है. नागपुर महानगरपालिका एक्ट के अनुसार स्थायी समिति को लेखा और वित्त विभाग का ऑडिट करने का अधिकार है. इसी तरह हर माह वित्त विभाग द्वारा स्थायी समिति को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना है. किसी मामले में अनियमितता नजर आने पर इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाकर जांच कराने का अधिकार स्थायी समिति को है. इस अधिकार का उपयोग कर स्थायी समिति द्वारा स्टेशनरी घोटाले की जाँच कराए जाने की जानकारी स्थायी सदस्यों ने दी है. स्टेशनरी घोटाले की जाँच के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त दीपक कुमार मीना की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति जांच के लिए गठित की है. इसमें मनपा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है. नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन के तहत जानवरों की तस्करी करने का मामला सामने आया है, जिसमें कंटेनर में भैंसों को अमानवीय तरीके से भरकर चिखली के तरफ लाया जा रहा था. इस कार्रवाई में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है. कलमना पुलिस स्टेशन के तहत एक ट्रक कंटेनर में बड़े ही अमानवीय तरीके से भैंसों को भरकर लाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलमना पुलिस ने भरतनगर से चिखली चौक पर जब कंटेनर की जांच की तब उसमें 28 भैंसे भरी हुई थी. आखिर इतनी भैंसे कहां भरकर जा रही थी इसका पता नहीं चल पाया है, जबकि इस मामले को जानवरों की तस्करी के तौर पर भी देखा जा रहा है. काल आमचे डीबीचे अमलदार अजय गर्जे, दीपक धानोरकर, सचिन दुबे, अभय साखरे हे पेट्रोलिंग करत असताना एक 6-चाकी कंटेनर हा भरतनगर चौकाकडनं चिखली चौकाकडे येताना दिसला. त्यात पोलिसांना पाहून तो लगेच जास्त स्पीडमध्ये घेतला त्या कंटेनरने. त्यांनी त्याला आळवलं, थांबवलं, पाहिलं तर त्यात जवळपास 28 या म्हैसवर्गीय जनावरं होते. त्यांना ताब्यात घेतलं. त्या चालकाचं नाव सलाउद्दीन अन्सारी असं होतं, त्यालाही ताब्यात घेतलं. नंतर ते एका पांजरा पोळीत ते मशीनना वगैरे पाठवलं. कंटेनर आणि जवळपास 28 मशी आपल्या ताब्यात आहेत. त्यांच्यावर प्राण्यांना निर्ततेने वागवणे या अधिनियमान्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. सदरची कारवाई हे माननीय पोलीस आयुक्त नागपूर सी पी सर अमितेश कुमार सर, तसंच उत्तर प्रभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री नवीनचंद्र रेड्डी सर, तसेच DCP उमेश कलवाने सर यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आले. वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत. सातवें वेतन के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन MSMT ने आंदोलन शुरू किया है. 15 जनवरी तक इनकी मांगों पर निर्णय नहीं होने पर स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के मार्गदर्शक के दायित्व से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी गई है. MSMT नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर समीर गोलावार,
व सचिव डॉक्टर अमित दीसावल। इनके नेतृत्व में वैद्यकीय शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर गोलावार ने बताया कि वैद्यकीय शिक्षा विभाग के वैद्यकीय शिक्षक शिक्षा देने के साथ साथ 24 घंटे मरीजों की सेवा में रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी वैद्यकीय शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। अब भी उन्हें पूरी तरह से सातवां वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया गया। इस दौरान सरकार को चेताते हुए कहा कि 15 जनवरी तक इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वैद्यकीय शिक्षक पीजी के विद्यार्थियों को गाइड करने की जिम्मेदारी से पीछे हटकर इस्तीफा देंगे। इससे विद्यार्थियों को होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए राय व्यक्त की कि पिता का नाबालिग बेटी से बलात्कार करना मानवता के प्रति दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध है। इस फैसले के जरिए न्यायालय ने पिता की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। उम्र कैद की सजा के खिलाफ आरोपी पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। आरोपी मजदूर है, वह अपनी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता था। इस दौरान बेटी का दो बार गर्भपात किया गया। तीसरी दफा बेटी के बच्चे को जन्म दिए जाने से पिता की करतूत सामने आई। मामला बुलढाणा जिले के साकरखेड़ा का है। आरोपी डीएनए टेस्ट में नवजात शिशु का पिता ही आरोपी साबित हुआ। इसके बाद इस मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड के पुख्ता सबूतों पर गौर करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के राज्य में सर्वाधिक मरीज पाए गए हैं। जी हां, इसके संभावित खतरे को देखते हुए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने अधिकारियों को व्यवस्था को सुसज्जित रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण की गति बढ़ाने के साथ ही टीके का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश भी दिए हैं। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी सहित वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी लवंगारे वर्मा ने ओमिक्रॉन अधिकारी, उपायुक्त राजस्व, वेरिएंट पर उपायों और प्रशासन के मिलिंद स्वास्थ्य सालवे नियोजन को लेकर विभाग के उपसंचालक डॉक्टर संजय जायसवाल समीक्षा बैठक ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के राज्य में सर्वाधिक मरीज पाए गए हैं। इसके संभावित खतरे को देखते हुए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने अधिकारियों को व्यवस्था को सुसज्जित रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान वे मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर गुप्ता, मियो की अधिष्ठाता डॉक्टर भावना, जिलाधिकारी आर विमला, जिला परिषद सोनौने आदि उपस्थित थे। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।